ओके, ये क्या था अबे? मतलब सुबह सुबह ऐसा चीज़ देखने को मिल गया, मुझे नहीं पता था। तो आगे मतलब उससे बात करने से पहले, क्योंकि वो मुझे मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर खड़ी है, दिख रहा है, तो उससे बात करने से पहले तो आप सब लोगों को फिर से स्वागत है टी ऑफ गेम्स का एक और नए गेम प्ले एपिसोड में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माई टाइम एट पोर्टा। तो आई होप कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियोज़ देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो भाई फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस जाके चेक कर लो। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और पिछले एपिसोड में मैं जो एम्बर आइलैंड है उसका जो केव है उस केव में गया था, और वहाँ पे दो खतरनाक वाले बॉस फाइट हुए। अगर वो वीडियो भी नहीं देखा भाई फटाफट जाकर चेक कर लो, आपकी वो वीडियो तो ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे करके रखना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको फट से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते इससे बात कर लेते, देखते क्या बोल रही है। ओके, तो इसका जो चिकेंस है वो भाग गई है, इसको घुमाने के मतलब चिकेंस को घुमाने के लिए ले गई थी, भाग गई। अब हमें उसको पकड़ के देना पड़ेगा, और कुछ नहीं क्योंकि हमने बोल दिया पकड़ के देंगे, अब देना पड़ेगा। ओके, इतना भी तो मुश्किल नहीं था। और भी बहुत सारे चिकन जो है वो उस रोड के उस साइड भाग चुके हैं, तो इनको भी उसी पिंजरे के अंदर डालना पड़ेगा। तो इनको ये फटाफट डाल देते, पता नहीं ये इतना भागम भागी क्यों कर रहा है, जो इतना आसान काम है फिर भी कर नहीं पा रही है। चलो कोई नहीं, हम तो ठहरे दयालु स्वभाव के, तो सबका काम कर देते हैं। लो तुम्हारे सारे चिकेंस तो। ओके, वैसे ये चिकेंस देखने में बहुत क्यूट भी लग रहे हैं। चलो सबको डाल दिया, अब बोलो। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी मिल में देखते हैं क्या आया है। गेल ने 19 बजे मिलने के लिए बुलाया है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर शायद हमें कोई नया मिशन मिलने वाला है, मतलब मेन मिशन टाइप। ओके फिलहाल, ओके हाँ, मैप की इस साइड में तो मुझे लिया था, तो फटाफट वहाँ पर चलते हैं। आई गेस वहाँ पर भी कुछ नया मिशंस मिलने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट चलते। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ मेरा जो एक्स और पिकेक्स है इनको भी मैं अपग्रेड करूँ, तो उसके लिए तो भाई मुझे टूल किट खरीदना पड़ेगा। एक के लिए 2 टूल किट चाहिए, तो मुझे टोटल 4 टूल किट्स खरीदने पड़ेंगे। तो अभी फटाफट देखते हैं कि मार्केट रेट कितना चल रहा है। ओके रुको, मैं यहाँ से तो देख ही सकता हूँ मार्केट रेट कितना चल रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा रेट चल रहा है, 97। भाई मुझे 97 पे इसको ख़रीदना नहीं है, तो अभी सीधा चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर मुझे मतलब वो रेड वाला एरिया दिखा रहा था, वहाँ पर बस पहुँच गया। लेकिन कोई तो दिख नहीं रहा है आसपास। Trying your luck with a hazardous ruin? This is a very dangerous area. You'll need to prove yourself worthy. You'll have to last a minute against the local civil corps officer in combat. There are 3 of us. Me, Remington, and Arlo. ओके, तो आई गेस हमारा नया एरिया अनलॉक होने वाला है, तो इसके लिए मुझे सैम, रेमिंगटन और आर्लो में से किसी एक से फाइट करना पड़ेगा और खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं उस एरिया में जाने के लिए मतलब तैयार हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रेमिंगटन से फाइट करेंगे, क्योंकि रेमिंगटन ही है जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कम पावरफुल है। तो रेमिंगटन को देखते कहाँ पर है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल है आर्लो, उसके बाद आता है सैम एंड देन रेमिंगटन। तो अभी रेमिंगटन, ओके, इस एरिया में लगता है यहाँ पे। चल को देखते हैं वहाँ पर कौन है, अगर रेमिंगटन हुआ तो भाई बहुत सही होगा। तो फटाफट उससे फाइट करेंगे और सीधा जाएंगे उस एरिया में, देखेंगे वहाँ पर मुझे क्या नया चीज़ मिलता है। तो भाई चल फटाफट कर लेते दो दो हाथ, और मुझे तो जीतना ही है। तो देखते इसके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। लेवल देख सकते हो इसका 28 लेवल है और मेरा 14। ओके ठीक कर रहा है, चलो। ओके मैं, ओके चलो अभी ऐसे बस डॉच करना है और बस फाइट करना है, तो बस डैमेज नहीं लगना चाहिए। ओके भाई एक डैमेज से कितना ज़्यादा हिल ले लिया मेरा। ओके चलो फिर, शेट शेट शेट, शायद मैं इस मैच को जीत नहीं पाऊंगा। ओके चलो बच गया इस बार, चलो एक थोड़ा सा और। ओन भाई मेरा हेल्थ, बस अगर उसने टच भी कर दिया ना, अगर समझ लो उसका किक मेरे कानों के पास से भी गुजर गया तो मैं ख़त्म। बस अभी दूर हो जाओ, चलो उसको हवा में अपना जो स्किल्स है उसको यूज़ करने दो। ओके पता नहीं भाई इसको, मेरा तो डैमेज भी नहीं है, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा भी या नहीं, भाई इसको डैमेज लग भी नहीं रहा। ओके भाई बच गया, मुझे लगा था अभी मैं मरने वाला हूँ। ओके बस ऐसे ही थोड़ा
थोड़ा थोड़ा करके भाई इसको डैमेज भी नहीं लगा। अगर मेरे पास मेरा स्वॉर्ड होता तो मैं बहुत आसानी से मार देता इसको, लेकिन अबे मैं जीत कैसे गया? लगता है इसको लग गया कि मैं भाग जाने लायक बन चुका हूँ। ओके, तो इनका स्माइली फेस मिल चुका है मुझे बहुत सारा, और अभी चलते देखते। आई गेस वो एरिया अनलॉक हो चुका है, और वो कह रहा था कि वहाँ पे एक और रूइन है, तो फटाफट चलते और देखते वो रूइन कैसा है। आई गेस उस वो रूइन अनलिमिटेड टाइम के लिए खुलने वाला है, मतलब मैं अनलिमिटेड टाइम जा सकता हूँ। अभी एक और चीज़ देख लेते कि आसपास कोई साइड वॉक तो नहीं है ना। ओके चलो टोटल क्लियर है, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, तो अभी फटाफट चलते देखते इस वर्ल्ड के उस पार, मतलब इस दरवाजे के उस पार क्या नया चीज़ है मिलने वाला है हमें। ओके तो यहाँ पर कुछ नए चीज़ है भाई, इसको उठा इतना क्यों आगे जा रहा है। ओके तो मेरे पास स्पेस नहीं है, चलो कोई नहीं। वहाँ पे कुछ अजीब सा चीज़ है, मतलब पंछी टाइप उड़ रहा है, और पता नहीं वो रूइन जिसकी बात सैम कर रहा था वो कहाँ पर है। यहाँ मैप में तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, आई गेस राउंड सी एरिया जो है वहाँ पर कुछ होगा। चलो चलकर देखते ये जो जगह है मुझे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, और इसके ऊपर ओ मिल गया। चलो आई गेस यही वाला वो रूइन है, क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए मुझे एरोज दिखा रहे हैं, तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है। चलो मैं स्पेस अनलॉक कर सकता हूँ। ओके चलो हो गया, एक और लाइन बन जाएगा, एक और लाइन ओके बन जाएगा। चलो तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मैंने अनलॉक कर लिया, आई गेस इतना तो इनफ होगा। तो अभी चलते अंदर। ओके बहुत सारे अलग अलग चीज़ है, तो चलते हैं पहले वाले पे, देखते यहाँ पर क्या मिलता है हमें। रूइन पे आ रहा हूँ, और हाँ अभी तक अगर आप मेरे चैनल मतलब इस वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट जाओ एक लाइक करो, क्योंकि बैक टू बैक दो वीडियोस में मैं रूइन पे जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे भी शायद बॉस वगैरह मिलने वाले, और पता नहीं अजीब सा शक्ल वाला एलियन टाइप कुछ चीज़ मिला मुझे। ओके पीछे और भी पैदा हुए, जो पता नहीं ये भी क्या है पता नहीं, लेकिन इनसे कुछ खास चीज़ें वगैरह मिल रहे हैं मुझे। ओके कॉपर वायर मिला। ओके तो अब मुझे ऐसा समझ में आ गया कि अगर मैं इस रूइन पे आऊँगा तो मुझे बहुत सारे चीज़ें मिलने वाले हैं नए, और इसके शायद बहुत सारे पार्ट्स भी होंगे। चलो देखते साइड में कुछ तीन दो ओके किल्स दिखा रहा है, और कितने फ्लोर्स है वो दिखा रहा है। ओके यहाँ पर ओके ये तो भाई कुछ खतरनाक, लेकिन मैं यहाँ से कूद नहीं सकता तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। और मैं समझ में आ गया क्या मतलब उस चेस्ट को मुझे कैसे लेना है। ओके यहाँ से ऊपर एकदम ध्यान से जाना है भाई, नीचे गिरे आई गेस नीचे गिरे तो साइड डैमेज, एक बार मर नहीं जाऊँगा डैमेज पड़ेगा आई गेस, ऐसी टाइप कुछ चीज़ें रखा हुआ है। तो देखते हैं इस चेस्ट में क्या मिलता है मुझे। स्मॉल सिलिकॉन चिप्स ओके फर्स्ट टाइम मिला मुझे। चलो अभी आगे जाना पड़ेगा, और आगे मुझे मैंने एक और चेस्ट भी देखा था। ओके तो आराम से चले जाऊँगा। ओके यहाँ से कूद सकता हूँ क्या मैं? तो थोड़ा सा पीछे आके दिखते आई गेस मैं पहुंच जाऊंगा। ओके नहीं पहुंचा। ओके जैसे कि मैंने सोचा था कि एक बार में नहीं मरूंगा, थोड़ा बहुत डैमेज पड़ेगा। और यहाँ पे ओके ये वाला स्प्रिंग मिला मुझे यहाँ पे। ओके तो यहाँ से आई गेस मुझे स्टार्टिंग लेवल पे जो ज़रूरत की मतलब सामान है जो मुझे वहाँ पर माइनिंग करने से मिलता है वो सामान वगैरह यहाँ पर मिलेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, बहुत सही होगा क्योंकि ज़्यादा माइनिंग, वैसे माइनिंग तो करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे सामान। ओके यहाँ से मैं एग्जिट कर सकता हूँ। चलो इसमें चार ही फ्लोर है, और देखे थे थर्ड फ्लोर में। ओके तो यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है कि मैं अगर मारूंगा तो फिर से पैदा होने वाले हैं ये लोग, पता नहीं कछुए टाइप मतलब स्नेल टाइप कुछ है। ओके फिर से ओके स्नेल ही पैदा हुआ, ये स्नेल कुछ करता नहीं है क्या पता नहीं। ओके मुझे आयरन बार मिला एक, बहुत सही। और ये इसका लास्ट फ्लोर है आई गेस, इसमें बॉस मिलने वाला है मुझे। ओके तो जैसा कि मैंने सोचा था इसका एरिया थोड़ा सा अलग है, और हाँ सामने ऑब्वियसली बॉस खड़ा है, तो अपना डिफेंस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि बॉस फाइट करना है। अब मुझे नहीं पता इसके पास कौन से पावर है क्या क्या करता है, तो अभी देखते कि कितना खतरनाक होने वाला है। ओके कुछ फेंकने वाला है, तो चलो डॉस्ट तो कर ले हमने इससे। ओके ओके तो आसानी से इसको भी हम डॉस्ट कर सकते हैं, उतना भी मुश्किल नहीं है इसको भी मारना, तो डॉस्ट कर लो। ओके नहीं डैमेज नहीं भरा मुझे। चलो ओके तो मुझे जो थर्ड अटैक है वो नहीं करना है, तो ओके दो अटैक कर लिए अब निकलो। तो दो अटैक कर लो और निकल जाओ आराम से, तुम्हें जीरो डैमेज में तुम आसानी से बॉस को मार सकते हो। चलो फिर से कर ले अब तू तेरा वार कर ले। ए, इन यहाँ का बॉस को मारना उतना भी मुश्किल नहीं है,
आई गेस स्टार्टिंग लेवल का बॉस है इसलिए शायद उतना मुश्किल नहीं हो रहा है। आई गेस मतलब जितने भी हमारा लेवल बढ़ेंगे और गेम्स आगे बढ़ेगा और भी खतरनाक वाले बॉस आने वाले। ओके थोड़ा सा और डैमेज भर गया मुझे गलती से। ओके ओ भाई इसने पता नहीं ओके ये क्या छोड़ रहा है। ओके इससे मुझे डैमेज नहीं पड़ रहा है। चलो बॉस सही है। आई गेस एरिया के मतलब कुछ एरिया है उसके बाहर इसको डैमेज पड़ता है। चलो कोई नहीं ओके फिर से डैमेज पड़ गया। ओके भाई तू ये चीज़ करता है पता नहीं वो मुंह में डाल के कुछ तो कर रहा है अजीब सा पता नहीं क्या है। ओके इस बार बच गया। ओके हाँ तू यही काम कर ले बस थोड़ा सा और हेल्थ रह गया। ओके बस गया चलो ख़त्म। इसके साथ ओके बहुत सारी चीज़ें भी मिले मुझे। चलो वो तो बाद में देख लूँगा और अभी इन बॉक्सेस में गोल्ड और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके थोड़ा बहुत खाना वगैरह मिल गया। ओके ओल्ड पार्ट्स मतलब नॉर्मली बॉक्सेस में जो जो चीज़ें होता है वो सब मिलने वाला है तो इन सबको कलेक्ट करते और सीधा निकलते यहाँ से। और मैं जो नीचे वाले जो रूइंस है मतलब लेवल्स है उसमें फ़िलहाल तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि अपने पास उतना पावर है नहीं फ़िलहाल। तो थोड़ा सा डिफेंस वगैरह बढ़ाते और फिर आएंगे। ओए मेरा एक स्किल अपग्रेड होने वाला है मैंने देखा ही नहीं। रुको इसको मैं क्राफ्टिंग में ही डालने वाला हूँ। इस पर डालता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है जो सामान वगैरह लगता है किसी चीज़ को बनाने में वो कम कर देता है। तो अभी 5% कम कर रहा है तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कम कर देगा तो मुझे ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को बनाने के लिए। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं तो बाद में आएंगे इन फ्लोर्स में। अभी तो एग्ज़िट होते और देखते अपना जो डेली वाला मिशन है वो क्या क्या है। फिलहाल एक बार चेक कर लेते कि क्या क्या चीज़ें मिला मुझे। ओके काफ़ी सारा चीज़ें मिला और मेरा जगह भी नहीं बचाया ज़्यादा। ओके कॉपर पाइप्स वगैरह भाई बहुत सारे कॉपर वायर है क्या वेनम पता नहीं कुछ तो मिले तो इन चीज़। ओके भाई काफ़ी सारा सामान मिल गया तो इन जगहों पे बार बार आना पड़ेगा मुझे इतना तो समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारा ज़रूरत का सामान जो स्टार्टिंग लेवल पे तुम्हें माइनिंग से मिलता है बहुत सारा सामान मिल रहा है यहाँ से। रुको एक बार देख लेते कि मेरे पास जो डेली कमीशन वाला मिशन है उसमें मुझे करना क्या। ओके मुझे फाइबर क्लॉथ चाहिए। आई गेस मैं जानता हूँ ये चीज़ मुझे कहाँ पर बनाना चाहिए। मैंने एक चीज़ जो है अभी तक बनाया नहीं एक मशीन उस मशीन में शायद ये चीज़ बनता है तो फटाफट घर चलते और देखते। और हाँ ये इस चीज़ से होता क्या ये भी मैंने नहीं देखा। चलो इसको उठाकर लेके जाते और यहाँ पे मैंने उठाया था वो कहाँ पर है तो ये फटाफट वो जो नए कपड़े सिलने वाला मशीन था उसको बना लेते हैं। आई गेस ये वाला था वो ओके तो इसको फटाफट बना लेते हैं। इसके लिए ओके ओल्ड पार्ट्स जो मुझे भाई मेरे पास काफ़ी सारा है और ये चीज़ जो है यहाँ पर बनेगा। ओके यहाँ पे मुझे ओके वो अम्ब्रेला मिला अम्ब्रेला वाला बुक मैंने यूज़ किया था। ओके रहा दो चाहिए तो मेरे पास काफ़ी सारा बनने के लिए सामान है तो फटाफट इसको बना लेते और इसको फटाफट प्लेस भी कर देते। लो बस लग गए। ओके तो फटाफट ओ अबे यार शिट भाई ये तो वो मशीन नहीं शिट मैंने गलती से कोई और मशीन बना दिया। रुको वो वाला मशीन ए वाला है शायद से यस ए वाला है शिट। ओके मेरे पास सामान तो है। ओके दो पाइप बनाना है कॉपर का शायद से तो फटाफट दो कॉपर का एक एक करके डाल देता हूँ। ब्रोंज पाइप चाहिए मुझे। ओके एक एक करके दो ब्रोंज पाइप बनाने के लिए छोड़ देता हूँ और ज़्यादा टेंशन नहीं है कि मैं इस चीज़ को भाई बाद में बेच भी सकता हूँ। कोई भी सामान तुम बना लो इसको तुम बेच सकते हो इस गेम में तो टेंशन की कोई बात है नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो सामान वगैरह चाहिए। ओके मेरे पास वुड नहीं है तो वुड मैं बाद में कलेक्ट करने जाऊँगा। अभी देखो 19 बज चुके हैं तो फटाफट चलते देखते गेल किस लिए बुलाया था शायद कोई नया काम देने वाला है तो फटाफट उससे मिल लेते हैं। और पास में ही है यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह मतलब कुछ चीज़ों के बारे में अनाउंस करने वाला है शायद से वो। ओके तो इसने कुछ खास नहीं बोला वही जो मैं केव में गया था वहाँ पे बैंडिट्स रेड्स को मारा उसी बारे में बात कर रहे थे और उसको उसके अंदर और सिविल कोर्ट्स को भाई भेजा तो कुछ सामान वगैरह मिला उस केव को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की बात कर रहा था और कुछ नहीं ताकि वहाँ पे कोई मतलब विजिटिंग स्पॉट बना सकूँ बना सके वो ऐसा कुछ बात कर रहा था। तो यहाँ पे कॉपर पाइप्स तो बन चुके तो फटाफट इसको बनाते और देखते आई गेस इससे ही वो फाइबर क्लॉथ जो है वो बनने वाला है तो फटाफट इसको इसके साइड में लगा देते। चलो ये भी लग गया तो फटाफट देखते। ओके रहा फाइबर क्लॉथ तो कितने बनेंगे एक टाइम पे 10 बनेंगे तो 10 बनने के लिए डाल दिया मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जो आज का जो वीडियो है
वहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि आज के वीडियो में फिर से मैं एक और बॉस फाइट हुआ और नया डंजन भी मिल गया हमें, जो भाई अनलिमिटेड के लिए, मतलब अनलिमिटेड टाइम तुम जा सकते हो उसके अंदर। तो पसंद है तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए तो बिना सब्सक्राइब किए जाना ही मत, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे करके रखना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको फट से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।